बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इंडियन वर्चुअल एकेडमी विद मोहम्मद सदीक लेक्चरर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अमाखेल टोंक। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज केमिकल बॉन्ड एंड इट करेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? We can define chemical bond as, chemical bond is the force of attraction that binds the two atoms together. Chemical bond वो attractive force हैं जो दो एटमों को आपस में जुड़े रखती हैं। और we can define chemical bond is the attractive force that binds two or more atoms, ions or molecules together is called chemical bond. Chemical bond को हम इस तरह भी define कर सकते हैं कि ये वो attractive force हैं जो दो atoms, ions और मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़े रखती हैं। नाउ एग्जांपल नंबर वन, इन H2O द हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम आर बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं। Example number 2, in NaCl, the sodium atom and chloride atom bonds with each other with the help of chemical bond. इस example में, example number 2 में, sodium chloride में sodium atom और chlorine atom जो हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के दरमियान ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये केमिकल बॉन्ड को जाहिर करता है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, इन अमोनिया द 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम बाइंड बाय केमिकल बॉन्ड। अमोनिया में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं। सो केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिव फोर्स हैं जिसके ज़रिए एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। Reason of chemical bond formation. Why chemical bond is formed or what are the reason of chemical bond? वो कौन से वजूहात हैं जिसके बिना पर chemical bond बनता है? A chemical bond is formed to attain stable electronic configuration. Chemical bond इसलिए बनता है ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करें। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नोबल गैसेस जो हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
उसको हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह करें। सो नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हर एक एटम दो रूल्स को फॉलो करता है। एक को हम कहते हैं ऑक्टेट स्टेट और ऑक्टेट रूल, और दूसरे को हम कहते हैं डुबलेट स्टेट और डुबलेट रूल। नाउ व्हाट इज ऑक्टेट स्टेट और ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट स्टेट या ऑक्टेट रूल क्या होता है? सो ऑक्टेट रूल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अटेन अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट स्टेट और रूल ऑफ 8। यानी ऑक्टेट स्टेट जो हैं इसके मुताबिक एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन एटम जो हैं इसके इस साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इस साइड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए मज़ीद वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो इस तरफ एक ऑक्सीजन के साथ उसने 2 एटम शेयर किए हैं और इस तरफ भी एक ऑक्सीजन एटम के साथ उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 हो गए, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में अब टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए और इस तरह इसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सो उसने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए हैं। सो इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देखें तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए हैं और इसने ऑक्टेट स्टेट को क्या कर दिया, कायम कर दिया। इसी तरह अगर हम इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके वैलेंस शेल में भी पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया तो उसके बाद उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरह कार्बन का ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट स्टेट और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ डुबलेट स्टेट और डुबलेट रूल, डुबलेट स्टेट या डुबलेट रूल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज नोन एज डुबलेट स्टेट और रूल ऑफ 2। यानी कुछ एटम ऐसे हैं जिसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल जो हैं वो हैं HCl। HCl में हमारे साथ एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है।
क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, सो वो अपने ऑक्टेट स्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो वो अपना डुप्लेट स्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या शेयर करेगा। सो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, और इसी तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और इस तरह उसने डुप्लेट स्टेट कंप्लीट कर दिया। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और इसी तरह उसने भी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट कर दिया। सो एटम जो हैं, एटम अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। सो ये फर्स्ट रूल हो गया या फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, यानी एटम जो है, एटम क्यों बॉन्ड बनाता है। पहला पॉइंट तो ये था कि वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। दूसरा जो है वो मिनिमाइज एनर्जी। एटम किस लिए बॉन्ड बनाता है? एटम इसलिए बॉन्ड बनाता है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे, कम करे। एटॉमिक फॉर्म में एटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सो हर एटम की ये टेंडेंसी है कि वो अपने एनर्जी को कम करें, और एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या करता है, फिर बाण बना देता है। नंबर थर्ड, टू गेन स्टेबिलिटी, यानी एटम जो है, एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। जब एटम एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल बन जाता है। फोर्थ वन, टू डिक्रीज रिएक्टिविटी, एटम जो है वो इंतहाई रिएक्टिव होता है, यानी जब वो एटॉमिक फॉर्म में होता है तो बहुत रिएक्टिव होता है, सो अपनी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। सो हमारे पास 4 रीजंस हैं जिसके बिना पर एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट रीज़न जो है वो क्या है, वो ये है, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड रीज़न जो है वो है टू मिनिमाइज द एनर्जी, और थर्ड जो है वो है टू गेन द स्टेबिलिटी, और फोर्थ वन जो है वो है टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी। टाइम ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड कब बनता है, व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड कब बनता है। द अट्रैक्टिव फोर्स ब्रिंग द एटम क्लोज टुगेदर एंड डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाइल द रिपल्सिव फोर्स पुश द एटम अपार्ट and increase the potential energy of the system। एटम्स के दरमियान 2 किस्म का फोर्सेस होता है, एक को हम कहते हैं attractive forces और दूसरे को हम कहते हैं repulsive forces। attractive forces जो हैं वो एटम को एक दूसरे के नज़दीक लाती हैं, और repulsive forces जो हैं वो एटम को एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं उसकी वजह से
पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती हैं, जबकि रिफल्सिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, इंक्रीज होती है. सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिकम मोर देन द रिफल्सिव फोर्सेस, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड केमिकल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द एटम्स. जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड रिफल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाती हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती हैं और हमारे साथ केमिकल बॉन्ड बनता है. सपोज हमारे पास दो एटम्स हैं, एक है एटम ए और दूसरा है एटम बी. एटम ए के न्यूक्लियस और एटम बी के न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स हैं इसको हम रिफल्सिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसी तरह एटम ए के इलेक्ट्रॉन और एटम बी के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स हैं वो भी रिफल्सिव फोर्स हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को अपने आप से परे हटा देती हैं. लेकिन एटम ए के न्यूक्लियस और एटम बी के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स हैं इसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ये फोर्स दोनों एटमों को नज़दीक लाती हैं. इसी तरह एटम बी के न्यूक्लियस और एटम ए के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स हैं इसको हम भी अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स भी एटम्स को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं. सो केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड रिफल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाती हैं. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में केमिकल बॉन्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है. सो नंबर वन, द प्रोटीन वी नीड, कार्बोहाइड्रेट वी ईट आर ऑल रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. वो प्रोटीन जो हम में ज़रूरत होती है या वो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड होती हैं या इनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होती हैं वो असल में केमिकल बॉन्ड है. इसके अलावा हम भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स एंड सो ऑन इनसे बने हुए होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह के दरमियान जो एटम्स हैं ये एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं. सो अगर केमिकल बॉन्ड ना होता तो प्रोटीन ना होते, कार्बोहाइड्रेट ना होते, लिपिड्स ना होते, और जब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन ना होते तो हम भी ना होते. सेकंड, गैस वी यूज इन आवर कार एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड. कारों में हम जो गैस हम यूज़ करते हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स हैं ये केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच हैं. सो अगर केमिकल बॉन्ड ना होता तो हमारे पास ये कार में जो हम गैस यूज़ करते हैं ये ना होता. थर्ड वन, ऑक्सीजन वी ब्रेथ इन एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन वी ब्रेथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड.
ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और इसके ज़रिए से यानी हम एनर्जी हासिल करते हैं, अगर इन ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन एटम हैं O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं सॉरी, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं ये ऑक्सीजन के दो एटमों से बने हुए हैं और इन दोनों एटमों के दरमियान केमिकल बॉन्ड है। सो अगर ये केमिकल बॉन्ड न होता तो हम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं ले सकते थे। फॉर द मेडिसिन वी नीड टू क्योर आवरसेल्व आर रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं इसमें एटम्स जो हैं ये केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए अटैच हैं। सो मुख्तसर ये कि केमिकल बॉन्ड हमारे ज़िंदगी के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर केमिकल बॉन्ड न होता तो हम भी न होते। नाउ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर गिवन बिलो। नंबर 1 बॉन्ड एनर्जी, नंबर 2 बॉन्ड लेंथ, नंबर 3 डायपोल मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। वी कैन डिफाइन बॉन्ड एनर्जी एज द एवरेज अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक all bonds of a particular type and one mole of a substance is called bond energy. Bond energy क्या होती है? अगर हम किसी substance का एक मोल ले लें और इसी एक मोल के अंदर, इसी एक मोल एटम्स के अंदर जितने बॉन्ड्स हो उसको हम तोड़ना चाहें और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें, हम एक मोल हाइड्रोजन ले और इसको हम एटमों में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 436.4 किलोजोल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। सेकंडली क्लोरीन को अगर हम देखें, क्लोरीन को अगर हम क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमको 242.7 किलोजोल एनर्जी जो है वो दरकार होगी। इसी तरह अगर HCl के 1 मोल को हम कन्वर्ट करना चाहें हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स में तो इसके लिए हमें 431.9 किलोजोल एनर्जी जो है वो दरकार होगी। इस तरह अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन एटम में इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमारे साथ 498.7 किलोजोल एनर्जी दरकार होगी। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन एटम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमारे साथ, तो इसके लिए हमें 941.4 किलोजोल एनर्जी दरकार होगी। सो बॉन्ड एनर्जी जो है ये वो अमाउंट हैं जो एक मोल सब्सटेंस के अंदर जितने बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक अप करने के लिए दरकार होती हैं। जब बॉन्ड बनता है, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जब बॉन्ड बनता है दो एटमों के दरमियान तो एनर्जी रिलीज होती है।
The same amount of energy is absorbed when the bond is broken to form neutral atom. जिस तरह दो एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और उसी दौरान एनर्जी रिलीज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह वही एनर्जी फिर एब्जर्ब होती हैं जब वही बॉन्ड हम ब्रोकन करते हैं और उसको न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करते हैं. सो यूनिट बॉन्ड एनर्जी को हम किस तरह यानी किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन किलोजोल पर मोल. इट इज़ मेजर्ड इन किलोजोल पर मोल. फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी. वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं? यहाँ पर हमारे साथ तीन फैक्टर्स हैं. नंबर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड वन साइज ऑफ द एटम, एंड थर्ड वन इज बॉन्ड लेंथ. फर्स्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है यानी एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जब वो ज़्यादा हो जाता है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है. सिमिलरली अगर साइज बड़ा हो जाता है यानी दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, अगर एक का साइज बड़ा हो जाए और दूसरे का साइज बड़ा हो जाए तो हमारे साथ बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती हैं. इसी तरह अगर बॉन्ड लेंथ को हम ले लें, बॉन्ड लेंथ की इंक्रीज से बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं. सो ये थ्री फैक्टर थे जो बॉन्ड एनर्जी पे क्या होता है, अफेक्ट करता है. बॉन्ड लेंथ. व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? वी कैन डिफाइन बॉन्ड लेंथ एज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. दो एटम जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो मीन डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं. द लेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द बॉन्डेड एटम. इससे पहले हमने शुरू में रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस के मुतालिक पढ़ लिया. सो केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो तब हमारे पास हमारे साथ केमिकल बॉन्ड बनता है. और हम इसको किस तरह मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट. द बॉन्ड लेंथ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय फिजिकल टेक्निक्स विच मे बी इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन, एक्सरे डायफ्रेक्शन और स्पेक्ट्रल स्टडी. यानी बॉन्ड लेंथ को हम फिजिकल टेक्निक्स है डिटरमाइन कर सकते हैं. और वो फिजिकल टेक्निक्स क्या हैं? उन फिजिकल टेक्निक्स में पहला टेक्निक जो है वो है इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन, दूसरा टेक्निक जो है वो है एक्सरे डायफ्रेक्शन और तीसरा टेक्निक
जो है वो है स्पेक्ट्रल स्टडी। यूनिट बर्न लेन को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? सो बर्न लेन इज मेजर इन एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कैपिटल एस से जाहिर करते हैं, नैनोमीटर जिसको हम स्मॉल एन एम से जाहिर करते हैं, एंड पिकोमीटर जिसको हम कैपिटल पी और स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द बॉन्ड लेंथ ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग आइडेंटिकल एटम्स इज द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ दीज एटम्स। फॉर एग्जाम्पल द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन इज 77 पिकोमीटर, विच इज द हाफ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। सिमिलरली कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन इज 99 पिकोमीटर, विच इज हाफ ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, दैट इज 198 पिकोमीटर। सो जब हमारे पास होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो होता है वो दोनों यानी हाफ बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो आधा हिस्सा एक एटम के लिए होता है और आधा हिस्सा दूसरे एटम के लिए होता है। मतलब कि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियाई की जो दोनों न्यूक्लियाई की जो रेडियस होती है वो सेम होती है, दोनों रेडियाई की जो न्यूक्लियस होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में देखें, यहाँ पर टोटल बॉन्ड डिस्टेंस जो हैं वो है 154 पिकोमीटर। जब हम इसको टू पर डिवाइड करें तो ये 77 पिकोमीटर आता है। मतलब ये कि आधा बॉन्ड लेंथ एक कार्बन एटम का होता है और आधा बॉन्ड लेंथ दूसरे कार्बन एटम का होता है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को देखें तो वो 198 पिकोमीटर है। अगर इसको हम भी टू पर डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ क्या आता है, इससे हमारे साथ 99 पिकोमीटर आता है। मतलब कि एक क्लोरीन का यानी टोटल बॉन्ड डिस्टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हाफ जो है हाफ 99 आता है और दूसरा हाफ 99 आता है, यानी एक क्लोरीन का 99 बॉन्ड लेंथ आता है और दूसरे का यानी आधा आधा दोनों का आता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ हिट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो चेंज होती हैं, मतलब इंक्रीज होती हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ हैं वो क्या होती हैं, वो डिक्रीज होती हैं। सपोज़ यहाँ पर हम पिक्चर में देखें, ये जो टेबल दिया गया है, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो इसका
एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ जो है वो 127 पिकोमीटर हैं। लेकिन अगर हम HF को देखें तो यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ जो है वो 92 पिकोमीटर हैं। मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो है। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ आर ऑलवेज हायर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड लेंथ होती हैं वो हमेशा कम होती हैं उसके हैं कैलकुलेटेड वैल्यू से। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 127 पिकोमीटर, व्हाइल एडिटिवली कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 136 पिकोमीटर। यहाँ पर हमने क्या है कंपैरिजन किया है, यानी कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ ऑफ हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने हेट्रो एटॉमिक डाई मॉलिक्यूल के कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ की हमने कंपैरिजन की है और यहाँ पे इसका हमने डिफरेंस निकाला है। सो इसी टेबल से ये पता चलता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी बॉन्ड लेंथ की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा कम होती है बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेटेड वैल्यू से। नाउ व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। नंबर वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर टू हाइब्रिडाइजेशन, नंबर थ्री साइज ऑफ एटम, एंड नंबर फोर न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ को कैसे अफेक्ट करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो जाए यानी दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है डिक्रीज होता है। जैसे कि हमने पहले आप लोगों को बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दो एटम्स के दरमियान ज़्यादा हो जाए तो उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगा वो डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाए, फॉर एग्जांपल दो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाए तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आए तो हाइब्रिडाइजेशन भी बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सपोज हमारे पास दो एटम्स हैं दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे साइड में हमारे पास दो एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं और इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो वो बॉन्ड जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा होगा यानी उस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी बनिस्बत उस बॉन्ड के जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद हो।
इन शॉर्ट वर्ड्स, जिस में एस करेक्ट यानी जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज्यादा हो, और जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर ज्यादा हो वो जो है वो बॉन्ड शॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल एस पी जो है, अगर सपोज हमारे पास दो एटम हैं और ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं और ये दोनों एटम्स जो हैं वो एस पी हाइब्रिडाइज्ड हैं, सो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा बनिस्बत उस बॉन्ड के जो ओ एस पी टू हो, और एस पी टू जो हैं वो एस पी थ्री से क्या होगा, छोटा होगा। साइज ऑफ एटम, थर्ड वन जो है साइज ऑफ एटम, सो साइज ऑफ एटम, अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाए, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाए तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्थ वन, न्यूक्लियर चार्ज, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे ही एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो एटम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पारे हटते हैं, और इसी नतीजे में उसका जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वी कैन डिफाइन डायपोल मोमेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो है वो किसी चार्ज के मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चार्ज हैं, एक क्यू प्लस हैं और एक क्यू माइनस हैं, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस हैं, इनके प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो इसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। यानी डायपोल मोमेंट अगर हम पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो हमें क्या हासिल होगा, हमें डायपोल मोमेंट हासिल होगा। या अगर हम इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें और इसको हम मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस से, किस डिस्टेंस से, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे साथ क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि म्यू as equal to q multiplied by r, where mu is a dipole moment, q is charge, and r is the distance between the two positive and negative centers. Causes of dipole moment, वो क्या cause हैं जो dipole moment, यानी जिसकी वजह से dipole moment क्रिएट होती हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
पोलैरिटी इज क्रिएटेड, यानी पोलैरिटी तब क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी इज क्रिएटेड ऑन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम जो होते हैं ये जब यानी उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान जब डिफरेंस आती हैं तो इस पर क्या हो जाती हैं, पोलैरिटी आ जाती है। और ऐसी पोलैरिटी के डिग्री को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? द डाइपोल मोमेंट को हम मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यानी किसी मॉलिक्यूल की परसेंटेज आयनिक करेक्टर मालूम करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या डाइपोल मोमेंट से हम मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसी तरह किसी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट से उसकी ज्योमेट्री भी हम मालूम कर सकते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट कमिंग टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड।